हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कि मेंस आंसर राइटिंग में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किन चीज़ों से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं ताकि आप लिस्ट में नॉट जस्ट बने बट अच्छी रैंक पे बने। बिकॉज दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू मस्ट रियलाइज कि इंटरव्यू में आपके जो नंबर आते हैं वो कहाँ आप लिस्ट में ऊपर या नीचे हो वो डिटरमाइन कर सकते हैं, बट मेंस इज वॉट डिटरमाइंस वेदर यू आर ऑन द लिस्ट और नॉट, कि आप लिस्ट में हैं या नहीं ये मेंस डिटरमाइन करता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन कि आप आंसर्स किस तरीके से लिख रहे हैं, एंड दिस इज टुडेज वीडियो इज अबाउट दैट टॉपिक। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या इसे देख सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू अनाउंस कि मैं एक छोटा सा मेंस फोकस ग्रुप इनिशिएट करने जा रहा हूँ जिसमें दो मेजर चीज़ों पर काम किया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज जिसमें 4 GS के टेस्ट और एक एसए का पेपर होगा, जो कि मैं और एक और प्रीवियस ईयर रैंकर जो हैं मेरे साथ ही हम पर्सनली इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि दिस इज समथिंग वी हैव ऑलवेज फाउंड कि अच्छा इवेल्युएशन ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज वॉट वी विल बी फोकसिंग ऑन। उसके अलावा देर विल बी सेशंस ऑन हाउ टू राइट गुड आंसर्स विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर टॉपर्स एज वेल एज जो यहाँ पे टेस्ट आपने लिखे होंगे उनमें। एंड उसके अलावा GS 1, 2, 3, 4 सेशंस फॉर सोर्सेज एंड आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी सो दैट योर आंसर लुक्स लाइक इट बिलोंग्स इन अ GS 2 पेपर, 3 पेपर, 1 और 4, एंड ऐसे अप्रोच। उसके अलावा डाउट डिस्कशंस इन जनरल, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी अ वेरी वेरी नॉमिनली प्राइस्ड फोकस ग्रुप जहाँ पे प्राइस विल ओनली बी 5,000 इंक्लूडिंग GST, एंड देर विल बी वेरी लिमिटेड सीट्स टू इंश्योर क्वालिटी। क्यों? क्योंकि मेजर इशू क्वालिटी का ही आता है हमेशा मेंस में, एंड द आइडिया इज दैट वी वुड लाइक टू स्टार्ट दिस फ्रॉम 18th ऑफ अक्टूबर, बिकॉज एज इट इज आपके पास करीब 2 ढाई महीने हैं, 2.5 मंथ्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी यू हैव टिल मेंस। सो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा इस चीज़ को आप शुरू करें। इवन इफ यू डोंट ज्वाइन दिस, आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई आप कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपकी मेंस की तैयारी के लिए आप करने वाले हैं यू स्टार्ट डूइंग दैट वेरी क्विकली, बिकॉज मेंस के लिए टाइम कम है। राइट, सो आंसर राइटिंग के बारे में जो आइडियाज़ हम आज बात करेंगे, दीज आर नॉट माई ओरिजिनल आइडियाज़, दीज आर बोरोड आइडियाज़। कहाँ से बोरो किए हैं मैंने? मैंने इन्हें बोरो किया है गौरव अग्रवाल से जो कि रैंक 1 2013 में थे, अनुदीप दुरीशेट्टी से जो कि रैंक 1 2017 में थे, एंड प्रत्यूष पांडे से जिनकी रैंक 2019 में 19 सॉरी आई थिंक 21 आई थी 21। तो इवन प्रत्यूष पांडे एंड अनुदीप दुरीशेट्टी क्रेडिट देयर आंसर राइटिंग टू गौरव अग्रवाल कि भाई इन्होंने जो एनालिसिस किया था उससे सब निकल के आया है, एंड दैट इज वेयर वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर मेन्स आंसर राइटिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको एक याद रखनी है कि मेन्स में GS के जो पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज के जो पेपर हैं, दीज आर जनरलिस्ट पेपर्स। तो जनरलिस्ट पेपर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? यू गेट मार्क्स फॉर ब्रेड्थ, कि आप जितने ज़्यादा डायमेंशंस मेंशन करोगे उतना अच्छा है, रादर देन कि आप 2 डायमेंशन पकड़ के उनकी डेप्थ में चले जाओ। डेप्थ में जाना इज नॉट ग्रेट बिकॉज पेपर चेकर इज नॉट एन एक्सपर्ट। जनरल स्टडीज का पेपर इतना जनरल, इतना वाइड होता है। फॉर इंस्टेंस GS 1 की अगर बात करें तो यू गेट वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंड इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि देर कैन बी नो एक्सपर्ट। हेंस यू शुड ऑल्सो राइट द पेपर्स एज अ जर्नलिस्ट, एंड फॉर दैट रीजन यू नीड टू फोकस ऑन ब्रेथ। तो ब्रेथ की क्या बात करते हैं, लेट्स डिस्कस विद सम एग्जाम्पल्स। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ऑप्शनल में ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल में जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो एक्सपर्ट होगा। एक फॉर इंस्टेंस देर विल बी सम प्रोफेसर्स फॉर लेट्स से अगर सोशोलॉजी या PSIR अगर आपके ऑप्शन हैं, तो दीज विल बी प्रोफेसर्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स हु विल बी चेकिंग योर पेपर्स। तो ऑप्शनल में अगर आप डेप्थ में जाते हैं तो इट्स ग्रेट, बट इन GS पेपर्स यू नीड टू फोकस ऑन ब्रेड्थ। जितने ज़्यादा एंगल्स, जितने ज़्यादा यू नो सॉरी अबाउट दैट, जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स आप अपने आंसर में ला सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन बेसिक आइडिया है, मतलब दिस इज वेरी वेल टेस्टेड, एंड आपको इसमें बस ये चीज़ करनी है कि जो इंट्रो है, इंट्रो एक लाइन का होना चाहिए। एक लाइन में क्या करना है आपको, यू नीड टू टेल द एग्जामिनर, आप एग्जामिनर से सीधा बात कर रहे हो कि आपको सवाल समझ आ गया है। इफ वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ
इंट्रोड्यूसिंग अ क्वेश्चन जिसका आंसर आप लिख रहे हो, आपने एक लाइन में अगर एग्जामिनर को ये दर्शा दिया कि हाँ जी हमें समझ आ गया है कि सवाल क्या पूछा है आपने, तो देयर इज नथिंग क्वाइट लाइक इट. व्हाई? बिकॉज इट पुट्स द एग्जामिनर इन अ गुड मूड. एग्जामिनर अच्छे मूड में आ जाता है कि भाई हाँ जी मतलब जो आंसर लिखा जाएगा आगे पढ़ने में आएगा, दैट विल बी रेलिवेंट. क्यों? कभी कभार क्या होता है मेंस में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मिस्टेक्स दैट पीपल मेक इन मेंस, दैट हम आंसर वो करते हैं जो हमें आता है, नॉट व्हाट इज आस्क्ड. सो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट इट टेल्स द एग्जामिनर कि आपको समझ आ गया है सवाल किस बारे में है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि बॉडी में आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि जो सवाल पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब दे रहे हो, आपको सॉरी अबाउट दैट, आपको आर्ग्यूमेंट्स तो अपने देने ही हैं. यू नीड टू गिव योर आर्ग्यूमेंट्स कि जो सवाल पूछा है उसके 4, 5, 10 पॉइंट जितने भी आपको आते हैं सब लिखो. बट यू ऑल्सो नीड टू गिव काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कि उसके ऑपोजिट व्यू क्या है, चाहे ये पूछा गया हो चाहे ये ना पूछा गया हो, आपको दोनों देने ही हैं. वाई? बिकॉज दिस एड्स वैल्यू टू योर आंसर. क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक सा बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको लेके चलनी है कि देर आर मल्टीपल एंगल्स टू एनी प्रॉब्लम. तो अगर मैं एक एंगल को पकड़ के ये बोल दूं कि बस इसी वजह से सारी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है. हेंस इफ यू गिव आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स द वैल्यू ऑफ योर आंसर गोज अप. फाइनली कंक्लूजन में आपको रैंडम मतलब जेनेरिक स्टेटमेंट्स नहीं डालनी है जैसे कि एंड फॉर दिस रीजन इंडिया विल प्रॉस्पर इन द 21st century. ये मतलब इस टाइप का कुछ अपने को नहीं डालना है यहाँ पर. वॉट वी नीड टू फोकस ऑन इज वेरी वेरी सॉलिड टू द पॉइंट कंक्लूजन, जहाँ पे आप किसी कमिटी का नाम डाल रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट मेंशन कर रहे हैं या करंट इवेंट कोई मेंशन कर रहे हैं जिसको आपने क्वेश्चन से रिलेट किया है, या फिर वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड में आप क्या कर सकते हैं? अगेन इन कमिटी जजमेंट करंट अफेयर्स, या आपने कहीं किसी एडिटोरियल में कोई नया सजेशन पढ़ा हो, तो उन सब टाइप की चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दिस इज प्रिपेयरिंग यू फॉर लाइफ एंड सर्विस. कि जब आप ISIPS बन जाओगे तो एक्चुअली जब आपको फाइलों में लिखना पड़ेंगी चीज़ें, तो यही चीज़ वहाँ पे आपको करनी है. एंड दिस इज वॉट UPSC इज प्रिपेयरिंग यू फॉर, एंड दिस इज वॉट यू नीड टू डू. राइट? सो लेट्स लुक एट एन आंसर फ्रॉम अनुदीप दुरीशेट्टी. तो इन्होंने सवाल अब ऑब्वियसली ये थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा आपको बिकॉज लिमिटेशंस ऑफ द वीडियो फॉर्मेट. But the question here is, what are the checks on parliamentary sovereignty in India? Do you think judicial activism poses a threat to free working of parliament? Justify your answer. Right? So, what are the checks on parliamentary sovereignty in India? So, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? Parliamentary sovereignty को एक line में define कर दिया. एग्जामिनर को समझ आ गया कि हाँ जी इनको पता है किस बारे में बात हो रही है. Parliamentary sovereignty refers to the independent and autonomous nature of parliament. टू लेजिस्लेटिव द मैटर ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी थ्रू. तो इन्होंने जो बॉडी वाला पार्ट था, इंस्टेड ऑफ टू ही हैज ब्रोकन इट डाउन इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड इज आर्ग्यूमेंट, एंड थर्ड इज काउंटर आर्ग्यूमेंट. तो ये वाला जो पार्ट है कि हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास 3 पेज का स्पेस है, तो इन्होंने 1 पेज में यही डिफाइन किया है कि भाई पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से दी गई है. तो आगे भी देखें तो यहाँ पर भी ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पर इन्होंने 5 पॉइंट लिख दिए हैं. उसके बाद जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, whether judicial activism is a threat to parliamentary sovereignty. So he has given arguments for in favor. Yes, it is a threat. 5 point, 4 point uske. And no, it is not a threat. 2 point iske. So here he has given the arguments. And here he has given the counter arguments. And here he has given the counter arguments. And finally, end unhone रैंडम अपना प्लैटिट्यूड पे नहीं किया. ही हैज गिवन अ कोट. अगर आपको कोट याद नहीं है तो जबरदस्ती यहाँ पे घुसाने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू रिमेंबर सम कोट्स, जो कि अगर आप डीडी बासु पढ़ते हैं तो आपको काफी सारे पता होंगे. क्यों? क्योंकि डीडी बासु में बहुत सारे कोट्स कंटेक्स्ट के साथ दिए जाते हैं. सो इट्स अ ग्रेट बुक टू स्टडी फॉर पॉलिटी फॉर मीन्स. तो यहाँ पे इन्होंने कोट के साथ एंड किया है. राइट?
तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी इंट्रो वन लाइन में, इन्होंने एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉडी में आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट के अलावा इन्होंने कॉन्टेक्स्ट भी दिया है कि भाई ये जो सवाल की आप बात कर रहे हो इसके क्या प्रोविजंस हैं, कहाँ से आया है, क्यों ये सवाल दिक्कत दे रहा है या क्यों ये इशू खड़ा हो रहा है, एंड फाइनली कंक्लूजन में उन्होंने एक कोट के साथ एंड किया। सो नेक्स्ट अगली चीज़ देखते हैं, फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में क्या आपको सोचना है, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन मॉडल्स, कि जब आपके पास रेलेवेंट कंटेंट नहीं है तब भी आप किस तरीके से अपने आंसर को ऐसा दिखा सकते हो कि हाँ जी आपको समझ आ गई है किस बारे में चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। रेलेवेंट कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको कोई कमिटी का नाम याद नहीं, आपको कोई आर्टिकल नंबर याद नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो इन्होंने आर्टिकल नंबर, शेड्यूल 7, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, NJAC एक्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंशन करी हैं विच इज़ एडिंग कंटेंट वैल्यू, क्योंकि एग्जामिनर को क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ जी इनको पता है किस बारे में बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ये आर्टिकल 50 जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जब उसके अलावा मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि इनके कंटेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। बट नाउ लेट्स लुक एट फ्रेमवर्क्स, कि जब आपके पास ऐसा कंटेंट नहीं है, जब आपके पास आर्टिकल नंबर्स नहीं है, जब आपके पास बहुत सारे एग्जैक्ट पिन पॉइंट डेटा नहीं है, तब आप क्या करें। तो फॉर दैट लेट्स रिटर्न टू अगेन अनुदीप दुरीशेट्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका देखते हैं, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन इज द एंटी डिफेक्शन लॉ नॉट ओनली सैंक्शंस पार्टी टिरनी इन द नेम ऑफ पार्टी डिसिप्लिन बट ऑल्सो कर्ब्स लेजिस्लेटर्स राइट टू डिसेंट क्रिटिकली एग्जामिन, राइट। तो सबसे पहले इन्होंने एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या प्रोविजन है। अगर आपको और कुछ नहीं समझ आ रहा तो GS2 के आंसर्स में बहुत सिंपल सी ये चीज़ का आप कर सकते हो कि प्रोविजन मेंशन कर दो कि हाँ जी इस शेड्यूल के तहत, इस एक्ट के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ बन रहा है, या जो भी आपका सवाल है उसके हिसाब से बन रहा है। एंड देन इन्होंने फीचर्स दे दिए हैं कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या फीचर्स हैं, वायलेशन ऑफ पार्टी विप लीडिंग टू लॉस ऑफ मेंबरशिप, मतलब चार इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ के अपने प्रोविजन दे दिए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब आपके पास रेलेवेंट प्रोविजंस एकदम एग्जैक्ट नहीं हैं तो क्या आप कर सकते हैं। सो नाउ एंटी डिफेक्शन एंड पार्टी टिरनी, तो इन्होंने बहुत ही जेनेरिक पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है यहाँ पे। सो इट फेसेस अननेसेसरी अथॉरिटेरियनिज्म ऑन पार्टी वर्कर्स, देन पार्टी इंटरेस्ट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट, जेनेरिक पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई ज्ञानबाजी नहीं करी, बहुत ज़्यादा कोई एकदम एग्जैक्ट कंटेंट वैल्यू उन्होंने नहीं डाली। ये बहुत ही फ्रेमवर्क से इन्होंने आंसर लिखा है कि एंटी डिफेक्शन एंड पार्टी टिरनी बहुत ही जनरल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कि भाई पार्टी इंटरेस्ट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट अथॉरिटेरियन हो जाएगा, कि सिर्फ पार्टी लाइन पे चीज़ें होंगी, कि भाई पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें कर दी जाएंगी जो कि वैसे शायद ना होती, एंड डिसेंट पे कैसे है फ्री स्पीच गारंटी। तो यहाँ पे एक जगह पे इनके पास आर्टिकल 19 था, इन्होंने आर्टिकल 19 लिख दिया, उसके अलावा इनके पास कोई यहाँ पे मेजर पॉइंट नहीं है। साइलेंसिंग ऑफ काउंटर ओपिनियन, बहुत जेनेरिक पॉइंट। तो इस तरीके से आप देखो कि इन्होंने जब क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया, स्ट्रक्चर ने ही इन्हें तरीका दे दिया कि किस तरीके से ये फ्लफ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। नाउ बट अगेन इन्होंने स्ट्रक्चर को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ा है, टिरनी एंड डिसेंट, ये दो चीज़ें तो डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन थी। नाउ इन्होंने डिस्पाइट नॉट बीइंग आस्क्ड ये भी दिया है कि शेड्यूल 10 रिक्वायर्ड क्यों है, विच इज द कॉन्टेक्स्ट पार्ट। तो अगेन ही हैज ब्रोकन डाउन द आंसर इनटू मल्टीपल पार्ट्स विच इज लीडिंग टू अ बेटर आंसर। चार पॉइंट यहाँ पे, चार पॉइंट यहाँ पे, ब्रेड्थ जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस इज द ब्रेड्थ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कहीं पे भी डेप्थ में नहीं गए हैं, एक लाइन में उन्होंने अपना पॉइंट बता दिया है। एंड द इंटायर आइडिया हियर इज कि आपको जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप बता सकते हो, जितने वेरिड पॉइंट्स आप बता सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे फॉर इंस्टेंस चेक्स डिफेक्शन कंसिस्टेंसी इन पार्टी स्टैंड, अब यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे इसी चीज़ को इन्होंने बोल दिया था, ऑथोरिटेरियनिज्म ऑन पार्टी मेंबर्स। तो सेम, मतलब बहुत ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाया है, जेनेरिक फ्रेमवर्क एक था कि भाई इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, इस वजह से यही सोल्यूशन है। रिड्यूसेस करप्शन एंड हॉर्स ट्रेडिंग, यहाँ पे बोल दिया कि भाई फोर्सेस मेंबर पार्टी लाइंस, तो सेम चीज इधर और इधर सेम चीजें हैं। तो इस तरीके से देखोगे, अब फाइनली जब इनका कंक्लूजन की बारी है, तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है NCRWC, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हेंस
इनके कंक्लूजन में दम है, क्योंकि इन्होंने फ्लफ कंक्लूजन ले लिखा, हेंस कंटेंट वैल्यू। तो हमेशा कोशिश करो कि आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कोई ना कोई प्रोविजन हो, या कोई ना कोई फैक्ट या डेटा हो, या करंट अफेयर्स से रिलेट करो, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन एग्जामिनर आपके लिए सवाल के लिए पढ़ता है, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू कंटेंट। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ओवरऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट कंटेंट इज किंग। आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसे कर सकते हो कि आपने फ्लफ मटेरियल डाल दिया, बट अगर सारे क्वेश्चंस में आपने फ्लफ मटेरियल डाला है तो नेचुरली आपके नंबर कम होंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू इंश्योर कि जिन यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि कौन से क्वेश्चंस आप पहले कर रहे हैं। आप पहले वो क्वेश्चंस करेंगे, अगेन जैसे कि मैंने प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी लोगों को बोला था कि भाई प्रीलिम्स में हमेशा स्टार्ट विद द क्वेश्चंस व्हिच आर इजी। ईजी मतलब आपको आते हैं, आपके पास डेटा है, आपके पास पॉइंट्स हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, कमिटीज़ हैं, जजमेंट्स हैं, जो भी है, वट एवर इट इज़ दैट यू हैव, जहाँ पे आपके पास कंटेंट सबसे ज़्यादा है उन सवालों से शुरू करें, ताकि जिन क्वेश्चंस में आप फ्लफ पॉइंट्स लिख रहे हैं वो आप बाद में करेंगे। फ्लफ पॉइंट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे, बट एवरेज और जस्ट बिलो एवरेज नंबर्स आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। तो कंटेंट, अब कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है कि यू मेक योर ओन नोट्स फॉर रिविजन। क्यों? क्योंकि कितनी भी किताबें हैं मेंस से पहले रिवाइज नहीं कर पाओगे। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जीएस 1, 2, 3, 4 जो होते हैं वन डे सैटरडे एंड सेकेंड डे संडे, तो इधर होगा जीएस 1 और 2, इधर होगा जीएस 3 और 4। तो कोई आपको किताब से अगर सोच रहे हो कि रिवाइज कर लोगे तो नहीं होने वाला है। सो यू नीड टू हैव मेड योर ओन नोट्स। किन किताबों से बनाना है, क्या करना है, वो ऑब्वियसली जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, दैट इज़ व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग ओवर देयर। मेरी कोशिश रहेगी जितना मैं सबको बता सकूँ उतना बताऊँ। एंड उसके अलावा फैक्ट शीट आपको बनानी है। मेरी जो पुरानी फैक्ट शीट मैंने बनाई थी वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे देख सकते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स कि आपको एक एक इंस्टेंस याद नहीं रखना है। फॉर इंस्टेंस अगर पॉलिटी की क्वेश्चंस की जैसे बात चल रही है, क्योंकि GS2 के एग्जांपल्स हमने लिए हैं कुछ, तो अगर स्पीकर के रोल के बारे में बात करी जाए तो ये नहीं आपको बताना है कि भाई कर्नाटका के स्पीकर ने वो कर दिया था, ऐसे कर दिया था, यूं कर दिया था। आपको ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या है कि स्पीकर के ऑफिस के साथ ही ये दिक्कत चल रही है, क्योंकि कुछ केसेस में स्पीकर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं एंड देयर एग्जिस्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, व्हिच इज अ प्रॉब्लम। ट्रेंड कि ये ट्रेंड है एक कि भाई स्पीकर के ऑफिस का मिसयूज हो सकता है एंड हो रहा है। तो किन किन तरीकों से हो रहा है, किन किन तरीकों से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ये जो सॉल्यूशंस हैं ये आपके मन से नहीं होने चाहिए। दिस शुड बी बाय एन एक्सपर्ट कमिटी और बाय मतलब डीडी बासु ने दिए हैं या कुछ और किसी और एक्सपर्ट ऑथर ने दिए हैं। सो दीज आर दी सॉल्यूशंस दैट यू नीड टू मेंशन ओवर हियर एज वे फॉरवर्ड। कंटेंट में वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज गुड लैंग्वेज स्किल्स हेल्प, दे हेल्प। अगर आप साफ लिखोगे, अनुदीप दुरे शेट्टी के अगर सवाल देखे तो कितना सफाई से इनके आंसर्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इफ़ यू राइट क्लीन आंसर्स, इफ़ यू राइट गुड इंग्लिश, अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो अगर आप अच्छी हिंदी लिखते हैं तो दैट इज़ ग्रेट। बट ये नहीं है कि अगर आप अच्छी हिंदी नहीं लिखेंगे या अच्छी इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपके नंबर कट जाएंगे। सॉरी अबाउट दैट। सो गुड लैंग्वेज स्किल्स विल हेल्प यू मे बी गेट सम फ्यू एक्स्ट्रा, 2, 4, 5 नंबर, नॉट इन वन क्वेश्चन, ओवर मल्टीपल क्वेश्चन, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूटली नेसेसरी। होती हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फाइनली प्रेजेंटेशन, कि आपने स्ट्रक्चर कर लिया, उसके अलावा आपको डायग्राम्स, मैप्स एंड फ्लो चार्ट जहाँ इंक्लूड कर सको उतना करो। क्यों? क्योंकि इससे एग्जामिनर का काम आसान होता है। इवेंचुअली दिस इज वॉट यू नीड टू फोकस ऑन, दैट वी नीड टू हेल्प द एग्जामिनर गिव अस मार्क्स। हमें कोशिश ये करनी है अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग करके या डायग्राम फ्लो चार्ट्स बना के, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर अनुदीप दुरुशेट्टी के यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने आर्टिकल 19 को अंडरलाइन किया है, सेक्शन 377 को अंडरलाइन किया है, NCRWC को अंडरलाइन किया है, शेड्यूल 10 इन्होंने बॉक्सेस बनाए हैं, सफाई से लिखा है। एंड उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक रे डायग्राम भी बनाया है। तो इन सब टाइप की जो चीज़ें हैं ये आपको करनी है
इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन. वाई? बिकॉज दिस विल हेल्प द एग्जामिनर इन अंडरस्टैंडिंग कि आपने जो लिखा है वो रेलिवेंट है, वो साफ सफाई से पढ़ा जा रहा है. एग्जामिनर का काम आसान हो गया. एग्जामिनर इज गेटिंग पेड प्रॉब्ली बाय द आंसर और बाय द पेपर फॉर चेकिंग योर पेपर्स. दे हैव नो इंटरेस्ट इन मार्किंग गुड और बैड. उनको बस इतना करना है कि भाई लिखो, ख़त्म करो, आगे चलो. तो अगर उनको ढूंढना पड़ रहा है आपके आंसर में कि आपने सवाल का जवाब दिया है कि नहीं, उनके पास बहुत ही कम इंसेंटिव है कि वो घुस के ढूंढे. उनके पास इजियर ऑप्शन ये है कि वो आपको जीरो दे दे एंड वो आगे चले. सो यू नीड टू हेल्प द एग्जामिनर गिव यू मार्क्स. दैट इज द थिंग दैट शुड ऑलवेज बी इन योर हेड. एंड फाइनली फीडबैक. मेंस राइटिंग में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वी हैव रिटन द बेस्ट आंसर. कि मतलब जब भी हम लिखते हैं ना, हमें लगता है कि हमने तो बेस्ट आंसर लिख दिया कि जिस सारी चीज़ में थी, बट दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू यू. जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें तो हमने लिखा है, क्योंकि मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट या मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दिस वॉज द ओनली अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी हैड. हमने जो भी कभी आंसर लिखा है वो हमें अच्छा ही लगेगा, हमें उसमें गलतियां नहीं दिखेंगी. कि अगर गलतियां दिख रही होती तो भाई वो लिखते हुए ही हम चेंज कर देते. सो यू हैव रिटन द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू. हैंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू गेट फीडबैक. अब ऑब्वियसली दिस इज द प्रॉब्लम दैट मी एंड शशांक आर ट्राइंग टू सॉल्व विद द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम. कि भाई फीडबैक की क्वालिटी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है. प्रॉब्लमैटिक कैसी होती है कि भाई मतलब आपको जेनेरिक फीडबैक दिया जाएगा कि ऐसे मत करो, ये कर लो, वो कर लो. एंड ऑब्वियसली टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि आपका राइटिंग स्टाइल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. इवन इफ यू स्पेंड टाइम विद समवन, दे माइट गेट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू, बट ऑलवेज टेक सम फीडबैक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. कि भाई एक तो सबसे जो जेनेरिक फीडबैक होता है कि भाई पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो, ये सब, ये मतलब दीज आर वेरी वेरी जेनेरिक फीडबैक्स. आपको जैसे लिखना है लिखो. आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? ब्रेड पे. जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए आसान ही हो जाता है कि भाई पॉइंट्स में लिखो. क्यों? क्योंकि आदत होती है कि भाई पॉइंट्स में 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया, 5, 5, 5. एंड ऑब्वियसली इंप्रेशन एक इससे जाता है कि भाई आपने 15 पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं. जब आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, जो कि काफ़ी टॉपर्स ने भी किया है, इफ़ यू नो टीना डाबी इज अ गुड एग्जाम्पल हेयर. कि टीना डाबी ने जो 2015 में रैंक 1 थी, शी रोट ऑल हर आंसर्स इन पैराग्राफ्स एंड डिस्पाइट दैट शी गॉट रैंक 1. तो देर इज़ नो राइट वे टू डू दिस. देर इज़ नो एब्सोल्यूटली करेक्ट आइडिया कि भाई ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, यूँ है. सो टेक ऑल फीडबैक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट डू टेक फीडबैक. बिना फीडबैक के अगर आप तैयारी करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. क्यों? क्योंकि देर आर ब्लाइंड स्पॉट्स इन आर अंडरस्टैंडिंग एंड आर राइटिंग जो हमें नहीं दिखते, बट कोई दूसरे का आंसर आप देख रहे हो या किसी और ने लिखा है वो देखते हैं, तो इट बिकम्स इजियर टू कैच देम. सो दीज आर सम ऑफ द कोर आइडियाज दैट यू नीड टू फोकस ऑन फॉर इम्प्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स. एंड अगर आप जो मेन्स का फॉर्म है वो सॉरी मेन्स मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो यू कैन फाइंड अ लिंक टू दैट इन द वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट्स बिलो. So if you like this video, please like, share, subscribe, and thank you for watching.